किंग ऑफ मेलेडी नाम से हम लोग म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं और एक फिल्म है जो अरेबिक पैटर्न पे फिल्म बनेगी। रविंद भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको हम दुबई से यहाँ लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। और फिरोज भाई लिरिक्स राइटर सिंगर है और इन्होंने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं मूवी के अंदर और मेलोडी के अंदर। और रविंद भाई दो अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक नए खान की एंट्री फिर से इस इंडस्ट्री में होने वाली है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नवीद खान के नाम से एक नया चेहरा आप लोग सब लोग के सामने आएगा बहुत जल्दी। नावे जी कितने एक्साइटेड हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए? एक्सल देखिए अभी माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम नमस्ते ससिया का अभी जो बॉलीवुड में जो खान लोग का जो चल रहा ट्रेंड एक मैं फर्स्ट टाइम एंट्री करूं, मेरा नाम नवीद खान है और मैं दुबई से हूं और फिरोज भाई से मेरी दोस्ती है 5 साल से। बहुत बार आपको ये बताता कि भाई मैं बॉलीवुड से एंट्री होना चाह रहा हूँ तो वेट कराए कराए मेरे को। अभी एक एल्बम हम लोग आप स्टार्ट कर रहे हैं किंग ऑफ मेलोडी। वो एल्बम में हम लोग एक नई चीज़ ये कर रहे हैं कि बॉलीवुड गाने तो हिंदी में रहेंगे और कुछ वर्डिंग उसमें अरबिक रहेंगे दुबई के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग बॉलीवुड के आर्टिस्ट बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह बहुत लाइक करते हैं तो हम लोग एक नया ट्रेंड लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ एक मूवी भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट पूरा दुबई का है यानी कि उसमें थोड़ा अरबिक वगैरह भी रहेगा। ये जो मुंबई या बॉलीवुड का जो मूवीज़ का जो ये है दुबई में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। जब सलमान भाई की एंट्री होती तो बहुत सारे लड़कियां हो बहुत वहाँ पे एंजॉय करते हैं। जब शाहरुख भाई की एंट्री होती तो एक रोमांटिकल उनका अंदाज़ है तो उनका अलग अपना वो है। तो बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक नए तरीके से हम लोग एक बॉलीवुड में एक नया कुछ करें और बहुत फिरोज भाई की जो जितनी भी टीम है जितने भी लोग हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और फिरोज भाई खुद भी एक ऐसे है हर यानी कि सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई सही लोग मेरे को अगर मिले तो मैं अच्छे से एंट्री इसमें करूं और बस ऊपर वाला मेरी जो ख्वाहिश थी मेरी जो कोशिश थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करें। बॉलीवुड में 3 खानों का राज चलता है, आपकी कौन से सबसे फेवरेट? देखिए मेरे तो सबसे बड़ा मैं फ़ैन हूँ सलमान भाई का और मैं क्या पूरी दुनिया उनके फ़ैन है कि वो जो हेल्पिंग नेचर है और जो भी वो काम करते हैं दिल से करते हैं इसलिए उनके ऊपर वाले का करम है। तो मैं भी थोड़ा उनको कॉपी करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा बहुत सलमान भाई के जैसे काम करूँ और माशाल्लाह से मेरा भी एक फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। मैं अब से नहीं बहुत टाइम से कर रहा हूँ उसको और अब हम जो मूवी बना रहे हैं ये जो मूवी और एल्बम बना रहे हैं इसका जो भी बिज़नेस आएगा स्टार्टिंग में जो भी हम लोग कर रहे हैं उस पर और जो भी बिज़नेस होंगे हम लोग तकरीबन अमाउंट हम लोग उसमें गरीबों में बांटेंगे इंशाल्लाह। तो और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सलमान भाई का और बस यही है कि आप लोग से यही रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट करिए हम लोग जो काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक नए लोग हैं क्योंकि नए लोग को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और जो जितने भी बड़े स्टार्स हैं जितने भी ऑलरेडी मूवीज़ कर चुके हैं देखिए सब आदमी नीचे से ऊपर आते हैं तो हम भी ऑलरेडी बहुत कोशिश करते हमारी एक टीम आज एक मुकाम पर पहुँची कि हम लोग आपके सामने आए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम हमारे काम को अच्छे से अच्छा सपोर्ट करिए और बस यही कोशिश है। सर कि गाने तो जो है हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि द किंग ऑफ मेलोडी है, इसमें हमेशा मेलोडी का जिक्र होगा और जैसे भाई ने बताया कि कुछ अरेबिक वर्ड हमने यूज़ किए हैं इसमें तो दोनों का एक क्वालिटी अलग निकल के आएगा और लोगों को आज यही चाहिए सुकून भरा जो गाना चलता है ना आज तो थोड़ा व्यक्ति थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं मुझे सुनने को होता है। चिलम चिली वाले गाने हमने नहीं बनाए इसमें और हमारा यही मैसेज है कि हम लोग एक अच्छा म्यूज़िक देंगे और यहाँ पब्लिक जितना हमको सपोर्ट करेगी देखिएगा आगे भी हम जैसा ऐसा काम करते रहेंगे। और सर आपसे जानना चाहूँगी एल्बम के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे, शूटिंग कब होने वाली है, वीडियो कब आएंगे? शूटिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे लगभग नेक्स्ट वीक में और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने बहुत अच्छा म्यूजिक और बहुत अच्छा गाना और सॉन्ग होगा। फिरोज भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना गाया, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और साथ में नवीद भाई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो जब आप लोग उस गाने को उस म्यूजिक में देखेंगे ना तो सभी लोग को बहुत मज़ा आएगा। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डायरेक्टर और ये जो सिंगर है और मैं एक जो आर्टिस्ट हूँ जो काम करूँगा तो हम लोग पहले तो आप लोग मेरे को बहुत सारा
ऑडिशन ले लेके मेरे को थका दिया, क्योंकि हम लोग जो जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं कि वाकई वो चीज़ बनना चाहिए, कि मानसिक टाइम उठा के अगर बनाए तो उसमें कोई फायदा नहीं देगा। पांच बार ऑनलाइन ऑडिशन लिया है एकदम, तो मैंने मुझे कहा कि भाई आर्टिस्ट में दुबई से लाने वाला हूँ, तो मैंने भाई दुबई से नहीं कहीं का भी हूँ, मुझे आर्टिस्ट चाहिए, तो फिर मैंने इनका ऑनलाइन पांच बार ऑडिशन लिया, तब जाके इनको यहाँ बुलाया। इन्होंने तो पांच बार ऑडिशन लिया है, बट मैंने तो इनको पाँच साल से हाँ आज करेंगे कल करेंगे पाँच साल तक इनको मैंने यही बोला ना कि जब अच्छा वक्त आएगा हम आपकी एंट्री करवाएंगे। और देखिएगा ये दुबई रहते हैं और मेरा एक गाना रिकॉर्ड करके इनको व्हाट्सअप करके भेजा था मैंने कुछ इसी एल्बम का जो काम करा है। वो गाने का बहुत बड़ा फैन हो गया फिरोज भाई की, जो आवाज़ में जो गाने के बोल है माशाल्लाह मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं तभी से इरादा कर लिया भाई मैं भी इंडिया आने वाला हूँ, आप जल्द से जल्द ऐसा कहेंगे कि वो गाने की वजह से ये दुबई से यहाँ। हाँ तो मैं अपने इस एल्बम का एक दो लाइन आपको सुनाता हूँ। जरा जरा सा दिल धड़कने लगा, दिल मेरा ये क्यों बहकने लगा, कातिल सी है तेरी हर अदा, खुद से ये क्या मैं कहने लगा। ये आपको बहुत जल्दी मार्केट में जल्दी सुनने मिलेगा और सभी लोग ऑडियंस तक पहुंचेगा ये गाना, और हम यही आशा करेंगे हम कि इसका अच्छा आपको रिप्ले मिलेगा। हमारे नाविद भाई जो कह रहे हैं कि सलमान खान के फैन हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिस तरह से सलमान भाई काम कर रहे हैं उस तरह से आप हमारे इंडिया में आके भी काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नाविद जी आपने प्रिंस का टी शर्ट पहना हुआ है, आपकी प्रिंसेस से मिलाना चाहेंगे? अभी तो कास्टिंग नहीं हुई, ये आप लोग के ऊपर है, हम लोग वेटिंग में वेटिंग में मेरे रोक दिए हैं अभी। सर तो मैम सबसे पहले अपने बारे में बहुत हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, मैं एक एक्ट्रेस मॉडल हूँ, ये तो जस्ट सलमान मैम कैमरा लो ओके, सलमान जी की बात चल रही थी तो मुझे छोटी सी एक कहानी याद आ गई, उनके उन्हें ढूंढने आई थी मुंबई और उन्हें ढूंढ ढूंढ के एक्ट्रेस बन गई, वो मिले चलो ठीक है जो भी है। बाकी मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ, चूँकि मैं कर रही हूँ, बेसिकली मैं पेंटर हूँ, और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी मैं चाहती हूँ कि बड़े अच्छे से अपने कदम जमाएं, बहुत सारा नाम शोहरत कमाएं, मुझे बहुत खुशी होगी, और ये टीम बड़ी प्यारी है, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने माँ बाप की फ़ैन हूँ और इंसानियत की फ़ैन हूँ, मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ। रही बात इंडस्ट्री में इज्जत की, तो गोविंदा जी की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस काबिल है वो। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, बहुत लोग टकराए, लेकिन उनमें जो बात लगी है वो शायद किसी में नहीं, उनमें कोई बनावटी नहीं है, और रही बात सलमान छिलों की, कहना चाहेंगे आपके जो बाजू में हीरो बैठे हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहिए? बड़े गोल मटोल से बड़े प्यारे तस्वीर, मैं चाहती हूँ इनकी प्रेसेस इनकी तरह ही लगे, इनकी तरह ही मिले, मुझे बहुत खुशी होगी। गोविंदा जी के साथ में आपकी मूवी आने वाली है? गोविंदा जी के साथ मेरी उनकी होम प्रोडक्शन से मेरी तीन चार फिल्में हो रही है, वो मेरे को स्टार इस फिल्म के सैनिंग भी हो चुकी है, फर्स्ट उसका एक टाइटल मैं बता दूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिटर्न ओके, और कुछ साउथ प्रोजेक्ट है, और एक सूरज शर्मा के साथ में हॉलीवुड कर रही हूँ मैं, देश में जो हॉलीवुड एक्टर है वो लाइफ ऑफ।